बोल सही हो। अरे काके काके बसावा कटाइले हो मोरे याल हर जोगिया। देखले की पलंग बा और पलंगिया पर रेशमी चद्दर बिछाई बाबा और रेशमी तकिया लगी है, एक नहीं दो तकिया। अरे लड़का देखा कि यहाँ राजा के फुलवारी में और इतनी बढ़िया सुंदर पलंग और उसी पलंग पर एक नारी एक मर्द, उसी पलंग पर एक नारी एक मर्द और दोनों बेपर्द। मेरे जोगीवान बन गए हो तुम, अगर तुम्हें और जरूरत होगी दौलत की, पैसे की, रुपए की, खाने पीने की, वो आपको अलग मिलेगा बेटा। लेकिन तुम जोगीवान का काम करो। ए बाबू, वही समय से जोगीवान का काम करने लगा, माई बाबू का भी दिन कटने लगा, खाने पीने लगे, लेकिन गुरु के भाई थोड़ के बाद बाकी बा नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते उसके जिंदगी में एक दिन मोड़ आ गया। ऐसे गर्मी का महीना, गर्मी का महीना और लड़का सोचने लगा कि आज बहुत गर्म है। आज मेरा विचार कहता है कि मैं राजा के फुलवारी में पीछे चल करके जहाँ तालाब है जहाँ भौरे गुंजार करते हैं उसी तालाब के किनारे एक चद्दर बिछा कर अगर लेट जाऊंगा तो बहुत महक आएगी, शरीर ठंडी हो जाएगी। वो चदरवा लेके और रात में जब पिछवाड़े पहुंचा फुलवारी के पास तो देखता क्या है बाबूजी कि फुलवरिया में चदरा जब बिछावे लगा बगलिया तो बगलिया देखले कि पलंग बा और पलंगिया पर रेशमी चद्दर बिछाई बाबा और रेशमी तकिया लगी है, एक नहीं दो तकिया। अरे लड़का देखा कि यहाँ राजा के फुलवारी में और इतनी बढ़िया सुंदर पलंग और उसी पलंग पर एक नारी एक मर्द, उसी पलंग पर एक नारी एक मर्द और दोनों बेपर्द, एक नारी एक मर्द दोनों बेपर्द। लड़का जब धीरे से गया आगे देखा गहरी नींद में सो रहे हैं रात। लड़का खड़ा होकर जब देखा तो कहा ओ हो, औरत कौन है? राजा नारंग सिंह की महारानी। और मर्द कौन है? राजा नारंग सिंह का मंत्री, मंत्री के साथ रानी फुलवारी में सो रही है। लड़का कहा ओ हो, जिसको मैंने सब दिन माँ कहा आज मैं उसको बेपर्द देख रहा हूँ। मेरे गुरु की वचन है कि जिसको बेपर्द देखना बेटा उसका तन ढक देना। वही चद्दर उठा के अब बाबा जी दोनों को ढक दिया, दोनों को चद्दर से ढक दिया। तो ए बाबू देखा और अपना चद्दर जब उड़ाने लगा तो कभी को एक तर्ज लिखना पड़ा मास्टर साहब का, राधा जी के कुंवर कन्हैया जी के कुंवर कन्हैया बुलावे ला बसुरिया बजाए के, राधा जी के कुंवर कन्हैया बुलावे ला। गीता खीर हो मुन्ना राजा, रानी सो रही है एक मंत्री के साथ। रतिया में सोई गई सजरिया, रतिया में सोई गई सजरिया, गुजरिया वो अखिया लड़ाई।
इतने धीरे में चंदर उड़ा दिया, फिर अनेक नींद में खुल जाई। डाल दिया अपनी चदरिया नजरिया से जदुआ चलाई के। बाबू जी धीरे में डाल के बेचारा हो और फुलवारी से निकल गया। अब रास्ते में सोचने लगा कि मैं घर पर आराम करूंगा और अब करूं क्या, मैं अगर राजा से नहीं बता देता हूं तो किसी दिन रानी ये नागन काली है जो पराए मर्द के साथ, जो पराए मर्द के साथ नारी अन करती है अपने पति को भुला के पराए मर्द पर, उस नारी की हालात क्या होती है। बहुत सी नारियों की कहानी आप लोगों ने देखा है, पतिव्रता की अलग पहचान होती है दोस्तों और कुलटा की अलग पहचान होती है। बताइए राजा साहब के होते हुए फिर भी वो मंत्री के साथ सो रही है। लड़का सोचने लगा बताऊं तो बताऊं कैसे, तब तक 4 बज गया, भोर ही की बेला हो गई, चिड़िया चू 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 भोरे गुंजार करने लगे फूलों पर। अब ऐसे रानी की नींद खुल गई, और जब रानी की नींद खुल गई चद्दर हटा दिया, चद्दर हटा करके और मंत्री को जगाया, मंत्री को जगा करके दोनों अपने अपने कपड़े पहन लिया, अपने अपने कपड़े पहन लिया तो एक चद्दर एक्स्ट्रा बच गया। ये चद्दर कहाँ से आया, रानी पूछा मंत्री से, चद्दर कहाँ से आया। मंत्री कहा मेरा चद्दर नहीं रानी, कहा आखिर आया तो आया कहाँ से, हम लोग अकेले सो रहे थे दो आदमी तो कोई तीसरा आदमी आया बगीचे में, कहा एक काम करो तुम बगीचे से निकल जाओ, तुम बगीचे से निकल जाओ। अब महाराज रात भर नींद में रहा, सवेरे ही उठ के दरबार में चला जाए, उनको फुलवारी में जाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत पड़ती है तमाम नौकर चाकर लगे हैं। अब वही फुलवारी में दोनों आयस करते थे रानी और मंत्री, वो तो मंत्री का दरबान देख लिया ए बाबू। और धीरे धीरे समय जब सवेरे का हो गया, मंत्री तो चला गया, रानी गई तकिया के नीचे उस चद्दर को रख दिया, एक लोटा पानी लेकर राजा को जगाया, अपने हाथ से पैर धोया और अपने आंचल से पोंछा, बड़े प्यार दुलार से बोलने लगी रानी को नाश्ता बनाना है भी राजा को, राजा को दरबार में जाना है। राजा साहब अपनी तैयारी करने लगे, रानी जब नाश्ता बनाने गई तो दौड़ के देखा तकिया को उठा दिया, और तकिया उठा के जब चद्दर को देखा तो रानी कहा ओ हो ये चद्दर तो मेरे दरबान का है। दरबान को राजा इतना मानते हैं कि अगर दरबान कहीं बता दिया राजा से कि मंत्री और रानी के साथ ऐसा व्यवहार था और चद्दर मैंने उड़ाया तो राजा साहब मुझे भी तो फांसी दे ही देंगे, मेरे प्रेमी को भी फांसी दे देंगे। ये बाबू यही सोचकर रानी सोचने लगे कि रास्ते का कांटा हटे तो कैसे हटे, अगर बीच में कोई कांटा आ गया, इतना सीधा दरबान इतना ईमानदार दरबान, उसको मारने के लिए रानी साजिश रचती हैं। क्या रचती हैं साजिश, सवेरे के बेला में राजा जब जाने लगे, राजा का पैर पकड़ लिया, कहा सरकार मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आज सोमवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है, मैंने कई बार ही आपको कहा कि जिस बगीचे का फूल कोई माली तोड़ा न हो उस बगीचे के फूल का गुलदस्ता बना के मंगा दो सोमवार के दिन तो मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करूं। अरे बा, लेकिन आपने कभी सुना नहीं बाबा। राजा कह रानी मुझसे आपने कभी कहा ही नहीं, कहा सरकार कई बार कहा लेकिन आप तो व्यस्त रहते हैं रात दरबार में। कहा अरे कोई बात नहीं, आज भी सोमवार तो है तो आज ही मंगाए देता हूँ, क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बताओ कि वो बगीचा है कहाँ। कहा सरकार वो बगीचा तीसरे नंबर का बगीचा है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तीसरे नंबर का बगीचे का फूल अभी ताजा है, अभी मालिक अभी तोड़ा नहीं है, उसी बगीचे का फूल आप मंगाइए। राजा कहा मैं अभी मंगा देता हूँ, शाही कोट पहन के दरबार में पहुंच गए बाबू जी। दरबार में पहुंच कर दरबान को बुलाया कि बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, गया हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। इतनी ही देर में रानी ने अपनी रचना कर दिया त्रिया चरित्र का। रानी दोनों सिपाहियों को बुलाया, जिन सिपाहियों को राजा ने डांटा था हार के लिए, दोनों सिपाहियों को बुला करके कहा एक काम करो तुम लोग अपनी अपनी तलवार कमर में लगा के और तीसरे नंबर के बगीचे में जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ, एक आदमी जाएगा गुलदस्ता लेने। जान गई रानी कि वही दरबान जाएगा। कहा जो दरबान जाएगा गुलदस्ता लेने
या दरबान के बाद कोई भी जाएगा सिपाही, कोई भी होगा, ये मेरा आदेश है। जैसे वो बगीचे में प्रवेश करेगा गेट खोलकर उसके गर्दन को काट देना, और गर्दन को काट कर उसके धड़ को मिट्टी में गाड़ देना, मिट्टी में गाड़ कर और फूलों का गुलदस्ता बनाकर उसके शीश को उसी में रख देना। मैं फिर दूसरा आदमी भेजूंगी बाद में, उसी आदमी को गुलदस्ता दे देना। बाबू दोनों सिपाही पहले पहुंच गए बगीचे में, गेट खोल कर दोनों सिपाही तलवार लेकर के बाबूजी खड़े हो गए, और तलवार जब लेकर खड़े हो गए और इधर दरबान से राजा कहा कि बेटा जाओ, रानी बुला रही है, आपको कुछ काम है। लड़कवा बड़े खुशी में बाबू हंसता हुआ दौड़ता हुआ दरबार में गया। माता जी, माता रानी, माता रानी, माता रानी। माता जी आई, मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट दो प्रकार की होती है पहलवान, एक मुस्कुराहट ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट होती है। और आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चाई के आंसू होते हैं, एक दिखावटी आंसू होते हैं। प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक सच्चा प्यार होता है, एक दिखावटी प्यार होता है। सब चीज का जोड़ा लगा है बाबूजी। तो लड़कवा जैसे पहुंचा रानी साहब हंसे लगे, कहने के बेटा एक काम करो। कहा माता जी बताइए, आदेश करिए। दौड़ के पांव चूम लिया, कहा आदेश करिए, मैं तो आपका गुलाम हूँ। कहती क्या है बाबू जी, आखिरी बात आ गई। क्या क्या? वो लड़का जानता है कि आज मेरी मौत हो जाएगी। अरे बाप रे बाप। रानी बड़े प्यार से गले से लगा लिया, बेटा एक काम करो, आज सोमवार है, शंकर भगवान का व्रत हूँ, और याद तीसरे नंबर के बगीचे से तुझे गुलदस्ता लाना है। अब जब पूजा करूंगी सबसे पहले प्रसाद तुमको दूंगी। लड़कवा कहे रे माता जी, आज तो भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। कहती कैसे है क्या? अरे मंगा जाओ है फूल बेटा, मंगा जाओ है फूल बेटा, सिर का चढ़ाई पे का। बहुत जल्दी माँ, तुरंत ला रहा हूँ, तुरंत ला रहा हूँ, आप तैयारी करिए पूजा के भगवान की। लड़का बाबूजी जल्दी 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 चल दिया तीसरे बगीचे की ओर। एक बगीचा डांक गया, दूसरा बगीचा डांक गया, तीसरा बगीचा पहुँचने वाला है। अरे बारे गुरु के वचन, बारे सतगुरु के वचन। और जैसे तीसरे बगीचे में पहुँचने वाला है, एक बारादरी है, एक बारादरी है, उस बारादरी पर 10-12 लोग बुजुर्ग बैठे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं। लड़का वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था, एक बात और बताया था कि बेटा कहीं अगर सत्संग होती हो तो 5 मिनट का समय देना। लड़कवा सोचस कि यार गुलदस्ता तले ही नहीं हो भाई, 5 मिनट कम से कम अपने बुजुर्गों के साथ सत्संग तो कर लूं। वही बाबूजी लाठी उड़गाई के अगवाल बुजुर्गन के पैर और धई के आशीर्वाद लेके कहा बाबूजी हम भी कुछ बोले। कहा आजा बेटा, बगल में बैठा लिया और पकड़े जब बाबूजी झींका लात बजावे सीताराम सीताराम सीताराम। सिपाही ले तलवार जो होते यहाँ के भाई आईन फूल ले वाला माते साहब एक लाइन तरह से बदल के काचे काचे बसवा के पहले जरा भर के दे बेटा बढ़ाओ यार। सही है लाल, सही है। अरे काचे काचे बसावा कटैला हो मोरे आलर जोगिया। काचन काचे बसवा कटौला हो मरे आलहर जोगिया। क्या बात है, बहुत बहुत प्रणाम है सब भैया लोगों का।
आशीर्वाद की वृक्षा है दोस्तों। होता क्या है, ज्यादा कटीला तो नहीं है, बहुत बड़ा है आशीर्वाद की वृक्षा है। कटीले रहो, छबीले रहो, लेकिन नशीले न रहो। कहना है क्या मुन्ना राजा, यही भाव है। काचे काचे बसवा कटैले हो मरे आलम जगिया, कि जाके सत्संग में भुलाई लहो। लड़का भुला गया, हरे राम करने लगा। हे बाबू, जेकर कहा गया जिसकी मौत नहीं है, जिसकी मौत नहीं है कौन मार सकता है। तबले रानी मंत्री को बुलाई, कहीं जाओ दरबान का गला कट गया होई, गुलदस्ता में रखा होई, दौड़ के जाए के लेके चला आवा, तब ओकर लाते से कचहरी नहीं। कौन दिन राजा से बता दी तो हमार तहार फिर आई लव यू तो कहीं यू कहन गो मामला सब गड़बड़ हो जाएगी। कहा बड़ी अच्छी बात है, कहा दरबान गया है, कहें हाँ दरबान गया है फूलगत गुलदस्ता लेने। जाओ अपने मंत्री को भेज दिया, मंत्री चल दिया बाबूजी मंत्री अपन वो दरबनवा के पहले मंत्री वही पहुंच गए बगिया में। तो जाके सतसंग में भुलाई लहो नहीं लाई लफुलवा। मंत्री साहेब अंदर जाए लागे तो खुद अपन शिशोवा कटौले हो नहीं लौल न फुलवा। ए बाबू पाप करने वाला एक दिन धरती पर देख के जाता है। मंत्री जैसे बाबूजी पहुंच गए बगिया में, गेट खोले, राजा का सिपाही खड़े, मंत्री जैसे अंदर जाने लगे वैसे गर्दन पर तलवार खींच करके एक सिपाही, मंत्री का गर्दन इधर धड़ इधर, गड्ढा पहले से खोदा बा, मंत्री का धड़ उसी में गाड़ दिया और गाड़ करके एक गुलदस्ता बढ़िया फूलों का बड़ा बनाकर उसी में मंत्री का शीश रख दिया। और जब मंत्री का शीश रख दिया तो रख कर दोनों सिपाही इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का जब सत्संग से बाबूजी खाली हुआ तो सोचने लगा कि रानी ने फूल मंगाया था, गुलदस्ता बड़ी देर हो रही है, बुजुर्गन से कहा बाबूजी अब हम चलेंगे, हम राजा साहब के यहाँ नौकरी करते हैं, फूल लाना है हम चलेंगे। कहीं जाओ बेटा जाओ, बहुत साथ दिया तुमने, इतनी उम्र में तुम भक्ति करते हो, भगवान तुम्हारी भला करे। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों। आजकल बुजुर्ग देख के लोग मुंह दूसरी तरफ फेर लेते, लेकिन बुजुर्ग का आशीर्वाद जानते नहीं कि कितना बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है। ए बाबू उसे आशीर्वाद देकर के जब भेजा वो गया तो वही गुलदस्ता पकड़ा दिया। अब लड़के का क्या पता कि गुलदस्ता में क्या है, वही गुलदस्ता ला करके रानी को देने लगा। अरे माता जी गुलदस्ता लेके मैं आ गया। जब मंत्री के बजाय दरबान की आवाज सुना रानी, तो बाबू जी इसका कलेजा कांपने लगा, ये तो दरबान जैसा बोल रहा है। दौड़ करके बाबू जी आंगन में आई और आंगन में जाकर जब उसे अंदर बुलाया, जब देखा कि दरबान मंत्री के बजाय दरबान पकड़ करके बाबू जी गुलदस्ता छीन लिया और छीन करके गुलदस्ता को खोल के देखा तो गुलदस्ते में देखा अपने प्रेमी का शीश, उसी पर शीश पटक पटक के रानी रोने लगी। आपन सग मन से धूमर जाति तो मेरा रुवती मोरे रे रजवा। वो तो उड़हरी है।
वो तो पकड़ के मार छाती से लपटाए लपटा, अरे मरे राजा, अरे मरे राजा, राजा का राजा का भन राण कहे हुए हैं। हाँ, और मंत्री का पकड़ के मार छपटाए के रोवत दरबनवा खड़ा मुंह बाज की, अब तो हम गए धार उधार, ससुर गुलदस्ता या की मनई का मूल या इनमें का दे सिपाही, अब तो पकड़ा हम गए। बाबू जी रानी उठकर खड़ी हो गई, कहा क्यों रे तुझे मैंने क्या मंगाया था, क्या लाया? कहा माता जी मुझे सिपाहियों ने दिया एक तमाचा खींच के मार दिया, मैंने तुझसे गुलदस्ता मंगाया तो मंत्री का शीश काट के लाया, और लड़का जब एक तमाचा खींच के मार दिया, इतना प्यार मिलता था, इतना उसे दुलार मिलता था, बच्चों की तरह दुलार मिलता था, आज उसे जब गाल पर तमाचा पड़ गया, भाग करके राजा के पास गया, नारंग के शीश पर गिर गया मुन्ना राजा, नारंग के शीश पर गिर गया, कहा सरकार अब मुझे फांसी की सजा दे दीजिए या मुझे इस देश से निकाल दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा पापी हूँ। राजा कहा बात क्या है? कहा आप दरबार बंद करके चलिए आंगन में, थोड़ी सी एक नज़र भर के देख लीजिए। बाबू जी लेकर के आए, भैया जी के बहुत बहुत प्रणाम। तो लाए बाबू जी आंगन में, रानी वो शीश लेकर के बाबू जी छिपटा के रो रही हैं। तो राजा साहब को संदेश हुआ कि भाई जन्म भर का मंत्री है, हमारा मंत्री है, तो रानी को भी दर्द होगा। राजा क्या जाने कि कौन सा दर्द से रो रही है, दर्द भी दो प्रकार का होता है, वो तो अपने प्रेमी का दर्द समझ के रो दे, राजा सोचो तो हम मंत्री को समझ के रो रही है। बाबूजी वही अपने दरबार से पूछा कि बेटा तुम एक बात बताओ कि गुरु के सच्चे भक्त हो, तुम्हारी चारों बातें पूरी हो गई, तुम्हारी चारों बातें पूरी हो गई, लेकिन आखिरी बात क्या थी, तुम जब गुलदस्ता लेने गए तो तुम्हारी आखिरी बात क्या रह गई थी? कहा बाबूजी मेरी आखिरी बात यही थी कि कहीं सत्संग होती हो बेटा तो 5 मिनट जरूर समय गुजार देना, अगर मैं 5 मिनट सत्संग में ना बैठ गया होता अरे सरकार तो मंत्री के बजाय आज मेरा शीश कट गया होता। बा, बा, बा। राजा कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने आपके रानी को भैया बड़का भैया 2 मिनट के लिए भैया 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 डिस्टर्ब हो जाते हो, बड़ा भैया इनाम बुलवा दिया, 2-3 दाएं बोल दे भाई, बोल दे 2-3 दाएं, बहुत बहुत प्रणाम भाई, ठीक बैठ जा भाई। अरे भाई पहलवान बहुत बहुत प्रणाम। आखिर में इसका निचोड़ 2 मिनट में आप पाएंगे, कुछ लड़के ने अपने गुरु के 4 वचन मानकर आज कौन सा दर्जा हासिल किया हो, जबकि राजा फांसी देने वाले हैं। कहा सरकार ये जो मंत्री का शीश कटा है, ये जो रानी छाती से लगा के रो रही है, मैं एक बात जाते जाते कह दूंगा, आज मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन एक बात पर मेरी ध्यान देना, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे सरकार हैं, इस नागिन से होशियार रहना, ये आपकी महारानी आपके लिए नागिन है काली, किसी दिन आपको डस लेगी। मैंने इसको मंत्री के साथ देखा बेपर्द होकर, मैंने अपने गुरु की बात मानकर अपना चद्दर उड़ा दिया, इसीलिए मुझे मारने के लिए इतना बड़ा साजिश रचा, इसीलिए फूल मंगाया और इसीलिए मंत्री को भेजा, मैं सत्संग में न बैठ गया होता, अगर पहुंच गया होता तो सिपाही मेरा शीश काट दिए होते। अरे बाप रे बाप, राजा खुश हो गए, लेकिन राजा खुश होकर लड़के को बाबूजी ऐलान करा दिया कि लड़का मेरा गुरु और मैं इस लड़के के आज से चेला हूँ, और बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा करके अब इस देश को मैं छोड़ने वाला हूँ। बड़ा बड़ा भंडारा करके लड़के को बैठा दिया बढ़िया कपड़ा पहना के, और बढ़िया कपड़ा पहना करके बाबूजी और शाही कोट पहना दिया, उस लड़के को अपना गुरु मान लिया कि जो मार्गदर्शक कराए वही गुरु होता है। लड़के वो कहे सरकार आप हमारे राजा है, कहे ना कोई किसी का राजा कोई किसी का प्रजा, तब मैं राजा था अब मैं प्रजा हूँ, अब मेरे राजा तुम हो बाबा, क्योंकि मुझे मार्गदर्शक अच्छा करा दिया। जाते जाते समय क्या कहा बाबूजी? मुन्ना राजा आखिर पर्दा है, जाते जाते राजा ने क्या कहा? पर्दा लगा के राजा ने किया कहा एक बात सुनेगा 1 मिनट के लिए, किशोर आकर सर पे सजाए पगड़ी, किशोर आकर
नक सर पे सजाए पगरी अपना भैलल बैरगिया बिसारे नगरी। किया क्या राजा किसरवा के सर पे अरे सजाए पगरी। सारी जनता देख रही है, सारे सिपाही देख रहे हैं। राजा घोषित कर दिया कि आज से वैशाली देश का राजा नारंग सिंह नहीं, आज से वैशाली देश का राजा ये मेरा गुरु, मेरा चेला, मेरा शिष्य, मेरा दरबान होगा और इसी को नारंग सिंह कह के पुकारना होगा आप लोगों को। किचरवा के सर पे सजाए पगरी अपना भैले बैरगिया बिसारे नगरी। ए बाबू जो गुरु की बात, सतगुरु की बात मानता है एक दिन वो इंसान बनता है। आज वो भिखारी से राजा बन गया और राजा रानी के लिए जाते जाते क्या कह के गए, जो रानी मंत्री के साथ सो रही थी, कहा रानी का पठाए दिया राजा जेल खनवा, कहा जा तू अपने मन का खोब बेराई लिया सजनवा। गुरु कई बचनिया कब हो झूठ न परी अपना भैले बैरगिया बिसारे नगरी। दोस्तों यही मेरे गीत का, यही मेरे बिरहा का सारांश था। आपने रामायण महाभारत तो बहुत सुना है, एक अध्यात्म की बात रही, एक बच्चा चार वचन मानकर, और ऐसा गुरु भी चाहिए, उसे चोरी का आदेश दे दिया और एक दिन चोरी अपने आप, गुरु जानते थे कि एक दिन अपने रास्ते पर आ जाएगा तो चोरी खुद छूट जाएगी। गुरु भोला भय स्वर्ग के वासी, गुरु भोला भय स्वर्ग के वासी, आभा करे पुकार दया राम गुरु, गुरु नन कुरान का प्यार, अरे ललवा सच्चा ज्ञान पा गया, गायले लहरी लाल जी यदुवंशी घर नवा, ललवा सच्चा ज्ञान पा गया। Oh,
गए परदेश कमाने में, बद मेरी हस्ती रोए रात रात।